आफ्टरनून में स्वागत है फ्रेंड्स। ये मेरे पास एक सीआरटी टीवी आया हुआ है, 21 इंच का है। इसमें फ्रेंड्स ESD ख़राब था तो मैंने ESD चेंज किया। ये इसका ESD है, ये इसका ESD है। ESD ख़राब था तो मैंने ESD चेंज किया। इसका पर मार्कर यहाँ पर देख सकते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ के ख़राब हो गया था, यहाँ के ख़राब हो गया था और यहाँ के ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर 81 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस था तो मैंने 100K का रेजिस्टेंस यूज़ किया हूँ और यहाँ पर 1.2K का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं एक 1K के रेजिस्टेंस है और उसके बाद वहाँ पर 4.7 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम यह था कि यहाँ पर ABL वोल्टेज नहीं बन रहा था। ये ESD पर मारकर ये सारा ख़राब कर दिया है। अभी ABL वोल्टेज अभी नहीं बन रहा है। आइए हम चेक करके दिखाते हैं, इसको ऑन किए लाइन में लगाए, इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन किए लाइन में लगा, यहाँ पर आइए हम वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 223 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस जा। यहाँ पर देखिए 124 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर देखिए ABL पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर गया है, यहाँ पर 1.2 वोल्ट बन रहा है और यहाँ से यहाँ आया है तो क्यों नहीं वोल्टेज बन रहा है, आइए हम चेक करके बतलाते हैं। इसका माइनर प्रॉब्लम है लेकिन यह काफ़ी दिमाग घुमा देता है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कट लगाया कि क्यों नहीं वोल्टेज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर भी यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो मैंने यहाँ चेक किया, मीटर कंटिन्यूटी रेंज में रख लेते हैं। यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पीएफ शॉर्ट है। इसको आइए निकालते हैं, पीएफ को निकालेंगे। देखिए मैंने पीएफ निकाल लिया हूँ, इसका नंबर 223K और 200 वोल्ट का पीएफ है। इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर अकेले के कारण दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए देखिए बीप का आवाज़ दे रहा है, पीएफ ख़राब है। तो मैंने एक पीएफ किट से ही निकाल लिया हूँ, इस किट से स्क्रिप्ट से मैंने एक पीएफ निकाला, ये देख सकते हैं 223K और 200 वोल्ट का है। आइए इसको लगाते हैं, पीएफ चेंज कर दिया और इसको 220 हम देंगे और चेक करेंगे वहाँ पर कुछ वोल्टेज मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। मीटर को वोल्ट रेंज में लेते हैं और इसको एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। एसी के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने ABL को वोल्टेज चेक करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने प्रूफ ग्राउंड नहीं लगाया था, यहाँ पर मैंने ग्राउंड लगा लेते हैं। अब चेक करते हैं, इसको चेक किया, यहाँ पर देख सकते हैं 27 वोल्ट के करीब आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखिए पिक्चर भी आ गया,
अब इसको हम चालू करेंगे और दिखाएंगे। मैंने इसको चालू कर दिया, यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज अधिक बन रहा था, यहाँ पर एबीएल पर, तो मैंने एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर मैंने 22 के रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से एक ग्राउंड करके एक वोल्टेज को ड्रॉप किया और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं 5-6-7 वोल्ट बन रहा है। और मैंने मॉडिफाई किया, इसमें नहीं लगा हुआ था तो मैंने इसको मॉडिफाई किया और इसको चालू किया। आइए इसका पिक्चर दिखा देते हैं, देख सकते हैं इसका पिक्चर है, ये चल रहा है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करें। ये नहीं लगाइएगा तब भी चलेगा, ये खुद ड्रॉप कर देगा यहाँ पर वोल्टेज, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगा दिया कि फिर कोई दिक्कत ना हो। आगे वोल्टेज हाई होकर क्या बोलते हैं यहाँ पर एक जिनर ड्राइव होकर आईसी ख़राब ना हो, मैंने इसलिए इसको लगा दिया कि यहाँ सेफ्टी रहेगा। मैं अपने से मॉडिफाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं।